प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देखिए शायद अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं है आर्थराइटिस के बारे में मुझे लगता है कि ये एपिसोड फोर होने वाला है ब्लॉग्स में मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हमेशा नहीं करती हूँ पर हेर देर आपके साथ टिप्स शेयर करती रहती हूँ पर बहुत सारे लोग डिजीज की बातें या बीमारियों की चीज़ें सुनना नहीं चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो आर्थराइटिस से डील कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि मैं उनको अपनी टिप्स बताऊं कि मैं मेरी जिंदगी को आसान कैसे बना रही हूँ सो so, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि तो मुझे पता है कि मेरी वीडियो बनाने का फायदा है या नहीं शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ सो so, आपकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है एंड आपको कुछ सिम्टम आने शुरू हुए एंड आपको पता चला की आपको कोई डिजीज है जब आपको उसका नाम भी नहीं लेना आता है कि उसको क्या बोलते हैं लाइक like, कौन सी कंडीशन है बहुत अजीबो गरीब नाम होते हैं बीमारियों के पर उसका नाम अभी आपको लेना नहीं आता पर उस बीमारी ने आपके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है आप पहले जैसे नॉर्मल नहीं है आपके कितने सारे जोड़ों में दर्द है या आप को खाने में प्रॉब्लम है सोने में प्रॉब्लम है एंड और बहुत सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं हमारी डिजीज़ में ऐसे है ये इनविजिबल इलनेस है आपको सिम्टम दिखेंगे भी नहीं पर आप अंदर से पूरी तरह डैमेज हो रहे होंगे मेंटली भी एंड फिजिकली भी आपको ऐसी पेन फील होती है जो दूसरा बंदा नहीं देख पाएगा कि पहले कुछ महीने नहीं दिखेगा बट जब डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी तब सबको दिख जाएगा पर तब बहुत ज्यादा लेट हो जाता है आपको लेट नहीं होना है एंड नाउ आपको पता है कि आपको कोई क्रॉनिकलनेस है अब आपको इसके साथ जीना है आपकी जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है पर येस अब आपकी जिंदगी थोड़ी डिफरेंट होगी पर अब आप इसके साथ जिएंगे। सो so, ऐसे में सोचे कि यार हूँ सब कुछ ख़त्म हो गया कुछ ख़त्म नहीं हुआ है पर यार चीज़ें थोड़ी अलग होंगी कई कई दिन होंगे जिस दिन आप बहुत पेन में होंगे बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे बेड से उठ नहीं पाएंगे पर फिर आप हिम्मत जुटा के अगले दिन वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप अर्लियर कर रहे थे सो so, हमें जिसने भी क्रिएट किया है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया है हम पहले कुछ दिन उदास होते हैं या सोचते हैं कि यार की हो गया बट फिर सारी एनर्जी को समेट के हमारे हमें इतनी ताकत है कि हम वो सारी एनर्जी को समेट के अपने आप को मोटिवेट करके ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर देते हैं ये सारी जर्नी जो आपकी जाने वाली है डिजीज के साथ आप देखेंगे कि हर एक बंदे के बहुत सारे ओपिनियंस होने वाले हैं कोई बताएगा कि उसकी बहन के पड़ोसी को ये प्रॉब्लम है उसके रिश्तेदार के उस बंदे को प्रॉब्लम है उसने ये किया ऐसे हो गया ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा बहुत सारे आपको आइडियाज़ देंगे बहुत सारे आपको टिप्स देंगे बहुत हैक्स देंगे बहुत सारे ट्रीटमेंट देंगे पर आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और आप पे क्या काम कर रहा है आप हर चीज़ ट्राई नहीं कर सकते हैं पर या, आप सबको सुने करें अपने मन की जो भी आपका मन मानता है जो भी आपको अच्छा लगता है आपको लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगा मैं यहाँ नहीं करूँगा हर एक बंदा आपको एक अमेजिंग ओपिनियन देने वाला है आपकी जिंदगी के बारे में आपको लेनी है ले वट वो देंगे जरूर से देंगे अभी आपकी ये डिजीज डिसाइड नहीं करेगी कि, कि आप किसको प्यार करें कौन सा करियर चूज करें क्या आपकी हॉबीज हैं क्या आपकी डिज़ायर्स हैं ये सारा ये डिजीज डिसाइड नहीं कर सकती है आप स्टिल वैसे ही लोगों को लव करें वैसे ही करियर ओरियंटेड रहें वैसे ही क्वालिफिकेशन जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वैसे ही जिंदा दिल रहे इसके आने के बाद अपनी चीजों को चेंजमंद होने दें सो so, कुछ देर आप थोड़ा उदास होंगे या कुछ देर आपकी सेहत आपको अलाउ नहीं करेगी पर ट्रीटमेंट के साथ सही लाइफस्टाइल के साथ आप बैक टू ट्रैक आ जाएंगे आप दोबारा से वैसे ही प्लान बनाना शुरू कर देंगे अब नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप पुराने समय के जैसे नहीं कर सकते हैं पर या अब नए तरीके से आप नए प्लान बनाएंगे आपकी जिंदगी ऑन द ट्रैक हो जाएगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल चिंता मत करें बहुत सारे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा आज डायग्नोज हुआ है रोमोडाइड कल हुआ है हफ्ता पहले हुआ है मैं बहुत उदास हूँ मेरा बच्चा बहुत छोटा है डोंट वरी बहुत अच्छा हुआ कि डायग्नोज हो गया क्योंकि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनका डायग्नोज ही नहीं होता है और वो ट्रीटमेंट किस चीज का लें और बहुत सारा समय वो वेस्ट कर देते हैं एंड ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाता है अब आपका डायग्नोज हो गया है एंड ट्रीटमेंट शुरू होगा आप जल्दी ही स्टेबल हो जाएंगे यस yes, ये डिजीज क्योरेबल नहीं है बट ट्रीटेबल है आप अपने लाइफ के चेंजेस के साथ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एंड सही दवाइयों के साथ सही कंबिनेशन ऑफ डाइट के साथ चीज को कंट्रोल कर सकते हैं आप पहले जैसे चुस्त दुरुस्त फुर्तीले नहीं होंगे डिफरेंट होंगे बट येस यू कैन लिव वेरी गुड नॉर्मल हैप्पी लाइफ विद दिस मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल जी पाए लाइक है दूसरी चीज है कि जो भी आपको डिजीज डायग्नोज हुई है उसे एक्सेप्ट कर ले ज्यादा मत हो क्योंकि जब उदास होंगे ना तो स्ट्रेस होंगे एंड फिर दिमाग पे बहुत असर होगा डिप्रेशन हो सकता है नींद जा सकती है बहुत सारे आ, और नए सिम्टम आ जाएंगे और जो भी आपको सिम्टम है वो स्ट्रेस एंड दुख की वजह से डबल एंड ट्रिपल हो जाएंगे सो प्लीज दुख मत लें अच्छा हुआ कि डायग्नोज हो गया अब आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है तो so, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ भी जो आपके साथ होता है कोई भी बंदा आपसे मिलता है कोई भी आप चीज में फेल होते हैं या कोई भी चीज आपके तरीके से नहीं होती या कोई डिजीज डायग्नोज होती है हर चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है चीज हमें कोई लेसन सिखाने के लिए आती है जब वो लेसन आप सीख लेते हैं या तो वो चीज चली जाती है या आप जीना सीख लेते हैं या फिर आप दुनिया से तुड़ जाते हैं मजाक तो आपको देखना है कि मुझे ये डिजीज क्या लेसन दे रही है मुझे आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ था 2019 में अराउंड दिसंबर नवंबर दिसंबर एंड uh, मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके इस के बारे में अपलोड की हैं मेरे चैनल पे पांच सात तो होंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें uh, तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया बहुत महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरी पेन थोड़ा कम हुई अभी भी मेरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है बहुत ही अजीब किस्म का बट येस जब वैसा पेन था वैसा नहीं होता है बल थोड़ा थोड़ा पेन तो रहेगा पर यस yes, जो भी मैं दवाई खाती हूँ उसने थोड़ा मेरी सिम्टम्स को कंट्रोल कर दिया है एंड मेरी लाइफ में नॉर्मल चीज एंड ये दवाइयों से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा 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 जो हेल्प मुझे चीज़ करती है वो है स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि आपको पता है कि आप अपने आप को सही कर सकते हैं तो वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है पर जब आप करना शुरू कर देना तो फिर ये काम करना शुरू कर देता है एंड ये एक और चीज़ है कि हम जितने भी बंदे धरती पे पैदा हुए हैं हम सारे एलिजिबल हैं अच्छी सेहत फुल जिंदगी जीने के लिए लाइक हर एक का राइट है अच्छी लाइफ जीने का पर फिर भी हमें कोई ना कोई डिजीज़ आती हैं कोई कार्मिक कंसर्न्स हो सकते हैं या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है आई डोंट नो आप इस चीज में बिलीव करेंगे या नहीं जिन भी लोगों को रोमोटाइड अर्थराइटिस है उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका जो रूट चक्रा है वो वोड है एंड किसी ना किसी तरीके से उनका जो इनर चाइल्ड है जो बचपन है लाइक पांच सात साल के थे जब वो तब कुछ ना कुछ ट्रोमेटिक हुआ होता है जो उनके अंदर है उन्होंने रिलीज नहीं किया वो धीरे धीरे डिजीज बनता है मुझे इस पे काफी ज्यादा यकीन है एंड मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी नेटफ्लिक्स पे उसमें भी जितने भी रोमोटाइड के पेशेंट थे उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में हुआ होता था, था अजीब सा जिससे वो उसको बिल्ड करके उन्होंने आर्थराइटिस बना लिया है एंड लुईज है के हिसाब से कि जो लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज होते हैं या क्रिटिसाइज करने का जो जिनका नेचर होता है वो लेटर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है कि उनके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है ये स्पिरिचुअल तरीका है अगर आप इस पे इसमें बिलीव करते हैं तो तो मैं एक ना वीडियो का लिंक छोड़ूंगी आप सोते समय उस वीडियो को सुनना आपकी नींद भी अच्छी होगी एंड आपका माइंड भी थोड़ा डिफरेंट होगा उस लेडी का नाम है लुईस है वो बहुत अच्छी बातें बताती है और उन्होंने बताया है कि आप माइंड के साथ हर एक डिजीज को हील कर सकते हैं एंड रोमोटाइड वन ऑफ देम है अगला है कि आप लोग ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें आपके जैसे लोग हों ताकि आप एक दूसरे से बातचीत कर पाए पर कई बार होता है कि आपकी सिचुएशन दूसरे बंदे से थोड़ी बेटर होती है या फिर उसकी आ, उसकी आपकी बहुत ज़्यादा वर्स है उसकी थोड़ी बेटर होगी तो आप लोग एक दूसरे को कंपेयर करके दुखी भी हो जाते हैं तो आप देखें कि आपको क्या चाहिए सो ऑनलाइन ग्रुप्स बेस्ट हैं कि अगर आप ब्लॉक भी करना चाहें लाइक like कुछ देर के लिए शट डाउन करना चाहें अपने आप को उनसे तो आप कर सकते हैं फेसबुक पे सर्च बार में जाके ग्रुप्स में सर्च करें रोमोटराइट जो भी आपका कंसर्न है आपको ढेरों सारे ग्रुप मिल जाएंगे उनको ज्वाइन करें उनमें अपने किस्से कहानियां लिखे जो भी आप फील कर रहे हैं अपने सिम्टम वो आपको हेल्प करते हैं अगला है डाइट बहुत ज्यादा हेल्प करती है अगर आप बहुत ज्यादा खाने वाले इंसान है सो खाने में थोड़ा कंट्रोल करें पोर्शन कंट्रोल करके खाएं और बहुत सारी अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करें डेयरी को क्विट करके देख सकते हैं ग्लूटेन को माइनस करके देख सकते हैं अपनी जिंदगी से बहुत सारे डाइटरी चेंजेस भी आपको अच्छा फील करा देते हैं अगर आप कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं खाने वाला तो आप फास्टिंग करें कम से कम पंद्रह सोलह घंटे की चौबीस घंटे में उस टाइम में आप कुछ पद खाएं रात के सात बजे से सुबह दस बारह तक खाए उस पीरियड में एंड देन थोड़ा बहुत देखा जब आप सोते हैं उससे तीन चार घंटे पहले खाना बंद कर दे डाइट चेंज करके आपको बहुत अच्छा फील होगा की एनर्जी बच जाएगी शरीर में क्योंकि हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट कराने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो बेचारी और कुछ कर ही नहीं सकती वैसे हमारी बॉडी इतनी मैजिकल है कि अगर उसे फूड डाइजेस्ट कराने का काम ना करना पड़े या और फालतू दो चार काम ना करने पड़े तो आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करती है उसको पता है कि किस जगह पे किस समय पे, किस चीज़ को हील करना है सो so, जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को ज्यादा जल्दी हील करती है सो so, अगर आपका इनर चाइल्ड है वे मेडिटेट कर सकते हैं आ, इसमें मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि कई सारे ट्रामा हो जाते हैं छोटे बच्चों को लाइक कितनी सारी कोई अब्यूज़ हो सकती है या फिर बहुत ही क्लोज बंदा फैमिली मेम्बर की डेथ आपको बहुत ट्रामा दे देती है छोटे से बच्चे को लाइक पेरेंट्स की डेथ हो जाती है सो so, ऐसा कुछ भी अगर आपके अंदर है एंड आप इस डिज़ीज़ से डील करें तो आपको मेडिटेट करके अपने इनर चाइल्ड को बताना है कि तुम बिल्कुल सेफ हो एंड सब कुछ बहुत अच्छा है आप इसके बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं गूगल में कि आप अपने रूट चक्रा को कैसे हील करें और अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील करें अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आप के लिए नहीं है तो चिंता मत करें सो अगर आपको लगता है कि यस आपके बचपन में भी कुछ ऐसा हुआ है ना आपकी बॉडी एंड जॉइंट बहुत पेन करते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं आप बहुत हेल्प करता है ये आप बहुत सारे तरीक़े के सप्लीमेंट्स खा सकते हैं जो आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करेंगे उसमें से हल्दी है कुक्रामिन जो ब्लैक पेपर के साथ आती है या फिर ओमेगा थ्री बहुत अच्छा है आपके लिए विटामिन डी क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोमोडाइट की प्रॉब्लम है और उनका विटामिन डी लो होता है तो वो आप चेक करवा सकते हैं टेस्ट करवा सकते हैं अगर लो है तो उस पर काम कर सकते हैं अगर नहीं भी लो तो थोड़ा बहुत आपको खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो एंड और बहुत सारी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो आपको हेल्प करती हैं जैसे अश्वगंधा है गूगल है एंड आप थोड़ा अपने ऊपर रिसर्च करें आपको कौन सी डिजीज़ है और उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं राइट ये भी रिसर्च में ही आता है तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप कर सकते हैं कैसे एक्सेप्ट करके ऐसे ही जीना है ये बहुत मदद करता है एंड आपको दुख से निकालता है आपको पता है कि अब मैं ऐसे हूँ अब मैं ऐसे ही जीऊँगा पर मैं कैसे अच्छे तरीके से जीऊँ राइट सो बहुत सारी आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट आप खा सकते हैं लाइक like, मोरिंगा पाउडर पी सकते हैं एंड जिंजर बहुत ज़्यादा अच्छा है गार्लिक बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे हम जिंजर गार्लिक का पानी पिए अगर आपको लगता है कि आप जिंजर इनफ खा नहीं पा रहे हैं तो जिंजर की गोलियाँ भी खा सकते हैं वो भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएंगी गार्लिक बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए हनी बहुत अच्छा है ऐसी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आप में हेल्प करेंगी चीजों को ट्राई करते रहें ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल एंड हैप्पी हो पाए एंड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों अच्छी 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 नींद लें अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो आपका अगला दिन अच्छा नहीं होगा स्ट्रेस होंगे बॉडी में पेन ज्यादा होगी सो रूटीन बना लें कि मुझे साढ़े बजे या दस बजे बेड पे जाना ही है मैं तब सो ही जाऊंगा सो ऐसे कुछ भी रोटीन को अपनाएं हो सकता है तो शावर लेके सोएं एंड आप लेवेंडर ऑयल अपनी ईयर्स के पास लगा सकते हैं या अवेंडर स्प्रे कर सकते हैं अपने पिल्लों पे कि आपको बहुत मज़ेदार सुकून वाली नींद आए ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है और सोने के समय लुईस है कि वीडियो ज़रूर से सुने एंड ग्रेटिट्यूड ज़रूर से रखें आपकी कंडीशन जो भी है डज मेक एनी डिफरेंस ग्रेटिट्यूड दिखाएं यूनिवर्स को अगर आप किसी रब में विश्वास करते हैं उनको उनको प्रेयर करें या फिर सिर्फ यूनिवर्स uh, की तरफ देख के बोर डाउन करें एंड थैंक्स करें कि आप ज़िंदा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ग्रैटिट्यूड आप में ना एक अलग से एनर्जी लेके आता है आप चुस्त दुरुस्त एंड हैप्पी फील करते हैं ग्रेटिट्यूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जरा बंदा ग्रेटिट्यूड के साथ जीता है ना सेटिस्फेक्शन के साथ जीता है क्योंकि इच्छाएं और आपकी चाहते हैं तो खत्म ही नहीं होती है राइट सो ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तो अच्छा है आपके लिए आप हैप्पी फील करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं एंड बहुत सारे लोग तो बेसिक चीजों के भी बिना रहते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा मेक श्योर sure करें कि आप जो भी अपने दिमाग में थॉट्स क्रिएट करते हैं बहुत ही ज्यादा ज़्यादा अच्छे हों आपके लिए क्योंकि क्योंकि थाट से रियलिटी बन जाते हैं अगर आप सोते हैं यार मैं बीमार है मैं तो बस ख़त्म होने वाली हूँ हो, मेरी बार मर गया मेरा ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा सो so डेफिनेटली वैसा ही हो जाएगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन करें एंड हमेशा अच्छे थाट्स क्रिएट करें अगर आप अच्छे बहुत अच्छे थाट्स क्रिएट नहीं कर सकते आपके दिमाग में आते ही नहीं है तो जब बुरे आते हैं तब उनको कट डाउन करें उनको कहें कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा एटलीस्ट ये करें यही बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एंड जो भी आपका कंसर्न है जो भी आपकी बॉडी पे सिम्टम आ रहा है कोई आपको विजिबली दिख रहा है कि स्वेलिंग है स्टिफनेस है कोई ब्रूजेस है हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर से लें क्योंकि वो उनको पता है उन्होंने पढ़ाई की है एमए को सुन के रोज दोस्त मित्र को सुन के भैन भ्रा को सुन के चीजें मत करते रहे अपने स्पेशली जब आपको रोमोडराइट है या कोई भी ऑटोम्यून कंडीशन है कोई भी सिम्टम को इग्नोर मत करें क्योंकि हर सिम्टम आने वाली कोई प्रॉब्लम का साइन देता है और अगर आप वो साइन को मिस कर देंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे क्योंकि रोमोटाइड में ऐसे है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन हो जाती है उंगलियां टेडी मेडी हो जाती है तो वो हमेशा के लिए टेडी मेडी रह जाएंगी सो अगर कोई भी आपको सिम्टम या साइन अनयल लगता है कि यार ये मेरा नॉर्मल नहीं है तो उसे डॉक्टर के साथ जरूर से सलाह करें एंड अपनी बॉडी को प्यार करें यार जिदा दीविया अपने आप को लव दिखाएं अपनी बॉडी को अपनी शक्ल को अपनी आईज को अपने हाथों को पैरों को अपनी बॉडी को थैंक्स करें क्योंकि उसी की वजह से आप इस धरती पे हैं अगर ये बॉडी नहीं होगी तो फिर आपको वो पैकअप करके मिट्टी में तस देंगे सो so, बॉडी का ग्रेटिट्यूड करें कि ये हमने ये अर्थ से हमने बोरो की है थैंक्स करें इसका और इसको लव करें इसकी टेक केयर करें इसे मसाज करें इसे कंपैशन दिखाएं सो जो भी अपने बॉडी के लिए आप कर सकते हैं ज़रूर से करें ऐसे मत सोचें कि आप सेल्फिश हैं सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं हो सकती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही हैं आपके साथ जो हमेशा रहेंगे जब आप पैदा हुए थे एंड जब मरेंगे आप ही के साथ लंबा समय तक रहने वाले हैं सो so, दोस्तों अपना ख्याल रखें एंड चिंता मत करें सब कुछ सही हो जाएगा आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे जीने की पर फिर भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आप, आप हैप्पीली नॉर्मल एंड अच्छी जिंदगी जी पाए सो so, टेंशन ना करो अगर आपको अभी डायग्नोज हुआ है सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड प्लीज uh, मुझे कमेंट बार में बताना अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए एंड उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बाय द वे अगर आपको ये ज्वेलरी अच्छी लगी है ये मेरे स्टोर में अवेलेबल है अगर आप खरीदना चाहें तो आप मेरे स्टोर का नाम है सिमोर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो ये खरीद लें आई नो ये वीडियो कब जाएगी लाइव पर मेरे स्टोर पे ना आई लैशेज़ के लिए स्पेशल चल रहा है टू के दिस ब्यूटीफुल लाशेज मुझे लैशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं एंड ये जो मैंने स्टाइल पहन के रखा है इसका नाम है गोवा अगर आप खरीदना चाहते हैं ना तो बाई टू गेट वन फ्री का ऑफ़र चल रहा है आपको कोड यूज़ करना है जून इलेवन यहाँ पे मैं सेल करने के लिए नहीं आई हूँ वैसे बता रही हूँ मैं इन जनरल नॉलेज शेयर कर अपना ख्याल रखें दोस्तों एंड बिल्कुल मत भूले यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आई लव यू गाइज सो वेरी मच बाय लालू